तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo V11 Pro के बारे में, जो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, ये जो फोन है वो आपको जो Oppo का F9 Pro आया था waterdrop डिस्प्ले के साथ, जिसमें छोटा सा नॉच था, उसी नॉच के साथ मिलेगा, लेकिन बाकी की बहुत सारी चीजें इस पे होगी डिफरेंट। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में और पता लगाएंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन में आपको मिलता है 6.4 इंच का बेजललेस डिस्प्ले, वो एक छोटे से वाटरड्रॉप नॉच के साथ। जी हाँ दोस्तों, वहां पे आपको एक कैमरा और एक जो ईयर पीस है वही मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 90% तक की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मिल जाएगी। और अब अगर आप Oppo F9 Pro से यहाँ कंपेयर करो तो स्नैपड्रैगन दोस्तों जाना जाती है कि Vivo लेकर के आता है, और जो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं वो Oppo लेकर के आती है। तो Oppo ने आपको जैसे कि दिया है P60 का प्रोसेसर F9 Pro में, Vivo दोस्तों वही आपको देगी स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, और इसकी जो स्टार्टिंग रैम होगा वो होगी 6GB की। और दोस्तों डिजाइन में आपको एक और बार बता दें कि जो बैक कवर है वो Vivo V11 Pro में थोड़ा सा नया कंपनी लेकर के आएगी, और यहाँ पे आपको जो ग्लॉसी फिनिश का जो टेक्सचर है वो हमें देखने को मिला है लीक्स में, और ये कहीं हद तक शायद पॉसिबल भी हो जाए। अब डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि चूंकि इस फोन में आपको अंदर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, तो वो IPS LCD की जगह यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसके ब्लैक लेवल, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप LCD से कंपेयर करें तो। अब इस डिस्प्ले में दोस्तों ग्लास प्रोटेक्शन क्या आएगा उसके बारे में अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन शायद गोरिल्ला ग्लास 3 तो मिनिमम आ ही जाए, उसके ऊपर क्या होगा वो नहीं बता सकते। अब इसके बाद दोस्तों वापस हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया Vivo लेके आता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 660, और ऐसे में आप जितने भी गेम्स हैं दोस्तों वो हाई टू मीडियम यहाँ पे चला पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको 6GB की रैम मिल रही है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज, तो उसमें आपको रैम में भी कोई कमी नहीं आएगी, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी मोर देन सफिशिएंट होगी अभी के जनरेशन के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा सेटअप के बारे में। तो आपको Vivo के इस फोन में मिल जाएगा डुअल कैमरा का सेटअप रियर में, और जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों वहां पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेंसर, और उसके साथ आपको जो सेकेंडरी सेंसर है वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का, जो यूज होता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। अब हमने Vivo के बहुत सारे पुराने डिवाइसेस में ये जो सेटअप है वो देख रखा है, और इससे आप जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें आप फोकस चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि 25 मेगापिक्सल के साथ आता है, उसमें भी आपको पोर्ट्रेट शॉट्स मिलते हैं जिससे आप स्टूडियो लाइटिंग ऐसी इफेक्ट्स डाल सकते हैं, और वो सारी टेक्नोलॉजी दोस्तों आपको यहाँ भी मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पे आपको वो जो टीयर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग LED फ्लैश नहीं मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3400 mAh की बैटरी मिल रही है, और शायद ये स्पेकुलेशंस हैं कि वो जो वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको ओप्पो में देखने को मिली है वही टेक्नोलॉजी शायद वीवो भी लेकर आया। दोस्तों ये सिस्टर कंपनी है, तो अगर किसी एक ने कोई टेक्नोलॉजी बताई है तो वो शेयर होती रहती है। डिस्प्ले देख लो, है ना, बहुतली सिमिलर है, तो ऐसे में शायद वूक टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिले, लेकिन जो चार्जिंग पोर्ट होगा वो टाइप सी नहीं बल्कि माइक्रो USB ही होगी। अब दोस्तों इस फोन का जो लॉन्च डेट है वो दिया गया है 6 सितंबर, और ये फोन शायद लॉन्च हो जाए 22,000 से 23,000 रुपए में। तो बेसिकली Oppo एंड Vivo शायद क्या चाह रही है कि किसी को अगर MediaTek का प्रोसेसर चाहिए और उसको अगर थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन चाहिए, वो ग्लिटर इफेक्ट, तो शायद Oppo F9 Pro। लेकिन अगर आप मुझ जैसे हो जिसको स्पीड अच्छी चाहिए, शायद स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। मैं तो दोस्तों प्रेफर करता हूँ MediaTek से, बिकॉज वहाँ पे हीटिंग जो है वो कम होती है और परफॉर्मेंस GPU की मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसी के साथ साथ इंटरनल डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अगेन एक थिंग है जिसके बारे में लोगों को शायद ये फ़ोन ज़्यादा पसंद आए। आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे हम इस फोन के लॉन्च के बारे में और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन इनिशियल अनबॉक्सिंग होगा वो वीडियो भी बनाएंगे, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए, एंड हमारे अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।